हेलो स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू टीच यू ऑसम प्रोग्रामिंग कंसेप्ट विथ माई व्हीकल लैंग्वेज दैट इज सी प्लस प्लस और आज हम लोग रिकर्शन uh, या रिकर्सिव फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करेंगे you can see that i have set this uh, wallpaper in my desktop recursion it reoccurs recursion it reoccurs ye bar bar ek hi cheez ko uh, main yahan pe likh ke ek wallpaper diya ho just before starting my uh, lecture i want to say you एक चीज को हम लोग जब बार बार ही बुलाते हैं बार बार ही दोहराते हैं बार बार ही उसको पुकारते हैं that becomes actually recursion. तो फंक्शंस में हम लोग रिकर्शन को किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे और रिकर्शन और इटरेशंस में बेसिक डिफरेंस क्या है आज के लेक्चर्स में टोटल के टोटल चीज हम लोग कवर करेंगे ओके okay, तो लेट अस फर्स्ट बिगिन विथ वेरी फर्स्ट दैट इज डेफिनेशन कि रिकर्शन क्या है हम लोग रिकर्शन किस तरीके से यूज करते हैं एंड हाउ वी एक्चुअली गिव द फ्लेवर ऑफ रिकर्शन इन अवर वेहीकल लैंग्वेज दैट इज सी प्लस प्लस ओके सो लेट स्टार्ट यू कैन सी दिस पिक्चर दैट आई रिटर्न रिकर्शन इट रियोकर्स अगेन रिकर्शन इट रियोकर्स अगेन रिकर्शन रियोकर्स आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि रिकर्शन रियोकर्स रिकर्शन मतलब एक ही वर्ड में रिपीट right? करूंगा कब तक मुझे रिपीट करना पड़ेगा दैट इज एक्चुअली अ बिग क्वेश्चन तो चलो आगे बढ़ते हुए हम लोग एकदम बेसिक डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि वट इज रिकर्शन इज यू कैन सी रिकर्शन इज अ पावरफुल टेक्निक ऑफ राइटिंग अ कॉम्प्लिकेटेड एलग्रदम इन अ इजी वे अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक अ प्रॉब्लम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इट द प्रॉब्लम इज सॉल्व बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स व्हिच आर सिमिलर इन नेचर टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम ये नोट में आप लोगों को क्लास में दे दूंगा ये वैसे तो कुछ करना नहीं है ये मैंने आप लोगों को जो चीज ये बताया है कि रिकर्शन क्या है क्या नहीं है एक डेफिनेशन है ये किताबी भाषा है तो एक्चुअली में है क्या देखो मेरे पास एक कोई प्रॉब्लम है सपोज वी हैव अ प्रॉब्लम पी वन करेक्ट अब ये प्रॉब्लम बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है वेरी वेरी मच कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम तो ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को मैं आसानी से सॉल्व करूँगा तो इसको सॉल्व करने के लिए जब मैं फील्ड पे उतरा हूँ मैदान पे उतरा हूँ तो मुझे ये देखने में आ रहा है कि इस प्रॉब्लम को एक बिगिनिंग मतलब एक स्टार्टिंग होना चाहिए राइट right? एक स्टार्टिंग होना चाहिए एक बिगिनिंग होना चाहिए एंड देयर मस्ट बी एन एंडिंग पॉइंट आफ्टर अ सर्टेन और सीक्वेंशियल स्टेप्स ये मैंने एलग्रिडम के टाइम में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक सर्टेन टाइम के बाद वो एलग्रिदम टर्मिनेट हो जाता है सिमिलरली so, मेरे पास एक प्रॉब्लम है सपोज P1 बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरे पास कुछ बेसिक्स आइडिया है कुछ मैथमेटिकल मॉड्यूल मॉडल्स और मॉड्यूलेशन है जिसको मैं कंप्यूट करने वाला हूं एंड आफ्टर आई कंप्यूट आई कम टू अगिनिंग पॉइंट जैसे कि लूप में हम लोग क्या करते थे मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं मैं किस स्टेटमेंट को दस बार इटरेट करना चाहता हूँ तो हम जीरो से स्टार्ट करते हैं और मैं लेस देन टेन तक जाता हूं तो जीरो टू नाइन हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ काउंट्स टेन और मान लो अगर मैं वन से स्टार्ट कर रहा हूँ तो हम लोग जाएंगे लेस देन इक्वल्स टू टेन तो वन से टेन टोटल अगर हम लोग काउंट करें तो दैट विल बी आल्सो टेन दैट विल बी आल्सो टेन नाउ द फैक्टर इज दैट कि ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो इसका बिगिनिंग यहाँ पे हम लोग जीरो से मान के चलते हैं एंड एंडिंग पॉइंट विल बी अ सर्टन टर्मिनेटेड कंडीशन जो कि हम खुद चूज करेंगे कि ये कहां से कहां तक जाएगा राइट दट इज द लिमिटेशन तो रिकर्शन में क्या होता है रिकर्शन में एक ही फंक्शन को हम लोग बार बार कॉल करते हैं ना एक ही फंक्शन को बार बार कॉल करने का मतलब क्या है सर मतलब ये है कि हमारे पास मान लो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है सपोज कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन है Uh, जिसका मान लो रिटर्न टाइप है इंट इंट एड ठीक है इंट एड और इसके अंदर मैंने दो पैरामीटर दिया है दैट इज इंट एक्स एंड इंट वाई करेक्ट लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर uh, कितने टाइप की होती है सो दिस इज माई आउटपुट दैट इज द रिटर्न टाइप आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस एड फंक्शन and in lieu of that I am giving two input and both the input are in integer form correct now uh, function ko function ki definition mein function ki teen part hota hai pehla part hai prototype declaration मैंने आप लोगों को बताया था दूसरा part है function की call function की call तीसरी part है कि function की definition right तीसरी part है function की definition इस function की definition में हम लोग क्या करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं नाउ उस रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग इस यूज इसलिए करते हैं अगर हमारा फंक्शन हमारा फंक्शन में हम कुछ रिटर्न टाइप देते हैं दैट मींस इफ वी यूज एनी शॉर्ट ऑफ इफ वी यूज एनी ऑफ रिटर्न स्टेटमेंट इन माय फंक्शन वेदर इट मे बी एन इंटीजर वेदर इट मे बी अ फ्लोट दैट मींस हम लोग कुछ आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कुछ आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं right? राइट तो रिटर्न स्टेटमेंट हम लोग इसलिए देते हैं कि हम लोग कुछ आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड सिंस वी आर एक्सपेक्टिंग अ आउटपुट सिंस वी आर एक्सपेक्टिंग आउटपुट दैट मीन्स वहां पे फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन हो रहा है कुछ ना कुछ कंप्यूटेशन हो रहा है तो अगर उस कंप्यूटेशन में जैसे कि मैं एक एड वाला फंक्शन आप लोगों को करवाया था वहां पे एक लोकल वेरिएबल लिया था इक्वल्स टू राइट नाउ ऑफ डूइंग दिस कंप्यूटेशन इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस कंप्यूटेशन इफ आई कॉल दैट पर्टिकुलर एड फंक्शन विद इन द इफ आई कॉल दैट पर्टिकुलर एड फंक्शन विद इन विद इन माई फंक्शन मतलब उसी फंक्शन के अंदर मैं उस फंक्शन को अगर दोबारा कॉल करता हूं फंक्शन डेफिनेशन के अंदर दैट बिकम्स माइ रिकर्शन दैट्स माई रिकर्शन ठीक है तो यह मेरा रिकर्शन हो गया अब इसको हम लोग वास्तव में इंप्लीमेंट करने के लिए दो कॉम्पोनेंट हम लोगों को चाहिए एक है मेरा बेसकेस दूसरा है मेरा रिकर्सिव कॉल दिस इज द कंडीशन दैट सिग्निफाइज वेन टू स्टॉप हमें कब स्टॉप स्टॉप होना है एंड रिकर्सिव कॉल इज द कॉलिंग द रिकर्सिव फंक्शन जो फंक्शंस को मैं रिकर्सिवली कॉल कर रहा हूं उसके बारे में यह बताया गया है सो दिस आर टू टाइप्स दैट इज़ एक प्रोग्राम आप लोगों को करवाऊंगा सो so, यहां पे मैं एक फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम आप लोगों को करवाऊंगा करवाने के बाद उसको रिकर्सिव प्रोग्राम में हम लोग किस तरीके से यूज करेंगे क्या करेंगे वो चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा तो चलो वी विल बी यूजिंग अवर व्हीकल लैंग्वेज एस सी प्लस प्लस और मैं सबसे पहले ही कह देना चाहता हूं आई हैव टू कंपाइलर्स वन इज डेफ सी प्लस प्लस So, uh, जाहिर सात है काइंड ऑफ आईडी पहले भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम इसमें करके आप लोगों को दिखाया है एनी ऑफ ऑलरेडी डिस्टिंग इज द फ्लेवर ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम विन टर्बोसी प्लस प्लस एंड राइटिंग अ प्रोग्राम इन डेफ सी प्लस प्लस राइट तो ठीक है चलो अब मैं इसमें प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ तो लेट अस ओपन दिस डेफ सी प्लस प्लस एंड राइट अवर वेरी फर्स्ट प्रोग्राम दैट इज फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सिव कॉल तो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर यूजिंग रिकर्सिव कॉल ये प्रोग्राम करवाने से पहले मैं इसका एक मैथमेटिकल आइडिया आप लोगों को देना चाहता हूँ एंड दैट टू ऑल्सो माई ट्रेडिशनल वे ऑफ यूजिंग पेंट ओके दैट टू ऑल्सो यूजिंग माई ट्रेडिशनल वे ऑफ पेंट पेंट में हम लोग ये करेंगे तो चलो देखते हैं कि व्हाट इज फैक्टोरियल आप सभी जानते हो फिर भी मैं एक बार दोहरा रहा हूं ओके uh, सो okay. so, अगर मैं कहूं कि फैक्टोरियल फोर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्टोरियल फोर सो दैट दीन्स इट इज फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन करेक्ट हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर करेक्ट वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर राइट ये दोनों चीज जो है दिस कंप्यूट फैक्टोरियल ओके फैक्टोरियल एन भी हम लोग इस तरीके से ही लिखते हैं नाउ इस प्रोग्राम को अगर हम लोग इन द फॉर्म ऑफ लूपिंग करें तो व्हाट विल बी माय स्टार्टिंग पोजीशन माय स्टार्टिंग पोजीशन विल बी फ्रॉम आईकल्स टू जीरो ओके एंड इट विल बी लेस देन माई एन क्योंकि एन फैक्टोरियल हो रहा है बट यहां पर मुझे गौर करना पड़ेगा कि जीरो से मैं स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि जीरो मल्टीप्लाइड विथ सम्स यू एक्चुअली जीरो और यहां पर हमारा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है नेचुरल एन नंबर की सीरीज हम लोग प्रिंट नहीं कर रहे सो वी विल भी डेफिनेटली स्टार्टिंग द सेम इंस्टेड ऑफ जीरो विथ वन करेक्ट तो हम लोग वन से स्टार्ट करेंगे और हम लोग जाएंगे लेस देन इक्वल्स टू एन तक सो वी हैव अ रेंज बिटवीन वन एंड एन बट यहां पर हम लोग फैक्टोरियल में मतलब फैक्टोरियल को जब डिकॉम्पोज करेंगे डिकॉम्पोज करेंगे इन द टर्म्स ऑफ माई फंक्शन माई रिकर्सिव फंक्शन तब हम लोग क्या करेंगे देखो एक सिंपल सा कर, आ, मतलब कंडीशन है कि फैक्टोरियल वन की जो वैल्यू है फैक्टोरियल आ, वन आ, मतलब जीरो अगर मैं जीरो फैक्टोरियल करूँ तो उसका जो वैल्यू है दैट इज वन करेक्ट सेकेंड थिंग की फैक्टोरियल फोर हो फैक्टोरियल थ्री हो इसका मतलब क्या है इसका मतलब है दिस दैट इज फोर इंटू फोर माइनस वन नेक्स्ट टर्म दैट इज थ्री इंटू थ्री माइनस वन दैट इज नेक्स्ट टर्म टू इंटू टू माइनस वन दैट इज नेक्स्ट टर्म वन दैट मीन्स हमें पता है कि हम लोग टर्म से स्टार्ट करेंगे और जाते जाते तब तक जाएंगे जब तक हमारा एन की वैल्यू इक्वल्स टू वन ना आ जाए हम लोग इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं तो मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम यहां लिख लिखवा के आप लोगों को डिटेल्ट में अभी समझा रहा हूं ओके लेट्स बिगिन अवर कंपाइलर इज ओपन एंड द वेरी फर्स्ट लाइन वेरी फर्स्ट लाइन इज हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम और डॉट एच हम लोग यहां पे नहीं देंगे क्यू इस का रीजन भी मैंने बताया था और नेम स्पेस एस टी डी इंस्टेड ऑफ डॉट एच वी आर गिविंग नेम स्पेस एस टी डी नाउ वी विल बी राइटिंग द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन मैंने ये बात भी बताया था इफ यू आर नॉट ईगर टू राइट द प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन बिटवीन योर लिंकिंग सेक्शन दैट इज दिस वन एंड बिटवीन योर मेन फंक्शन तो आप लोग क्या करोगे फंक्शन की जो डेफिनेशन है फंक्शन की डेफिनेशन आप लोग डायरेक्टली लिंकिंग सेक्शन और मेन फंक्शन के बीच में लिख दोगे ओके लॉन्ग फैक्ट ब्रैकेट के अंदर इंट एन दैट मीन्स दिस फैक्ट फंक्शन इज गोइंग टू रिटर्न समथिंग विच इज लॉन्ग टाइप मतलब बहुत बड़ा है

जिसके अंदर मैं वैल्यूज को स्टोर करूंगा सी आउट यहां पे मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा हूं दैट इज एंटर द द फैक्टोरियल नंबर एंटर द फैक्टोरियल नंबर और एंटर द नंबर यू वांट टू कंप्यूट फैक्टोरियल ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो इंटर द नंबर यू वांट टू कंप्यूट फैक्टोरियल एंटर द नंबर यू वांट टू कंप्यूट फैक्टोरियल ठीक है सी इन आई एम गिविंग नाम नाउ अब मैं फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है अब मैं फंक्शंस को कॉल कर रहा हूँ, सी आउट फैक्टोरियल फैक्टोरियल ऑफ फैक्टोरियल ऑफ नाम फैक्टोरियल ऑफ नाम इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल ऑफ नाम इज इक्वल्स टू फैक्ट नाम यू कैन बी सरप्राइज कि सर आप तो इससे पहले जितने भी फंक्शन हमें करवाया है फंक्शन की कॉल ऐसे ऊपर पे लिखते थे उसके बाद उसका वैल्यू किसी और वेरिएबल में डाल के यहां पे करते थे दिस इज आल्सो अ प्रोसेस ये सेम प्रोसेस मैंने आपको टाइप्स ऑफ फंक्शन में करवाया था याद करो जिसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न टाइप फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड रिटर्न टाइप जो चार पोर्शन मैंने करवाया था उसमें मैंने ऐसा एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को दिया था ओके न लेटेस्ट फोकस ऑन द मेन पोर्शन ऑफ द फंक्शन ये तो मैंने अपना फंक्शन को कॉल कर दिया लेटेस्ट फोकस ऑन द मेन पोर्शन ऑफ द फंक्शन दैट इज माई फंक्शन that is my function definition okay so long followed by fact i'm giving <coughs> sorry i'm giving the parameters as in now recursively हम इस फंक्शंस को किस तरीके से कर सकते हैं इसके पीछे मैंने आप लोगों को बताया था देर विल बी अ बेस केस ये चीज मैंने आपको बताया था देर विल बी अ बेस केस विच एक्चुअली सिग्निफाइज वेन टू स्टॉप एंड देयर इज अ रिकर्सिव कॉल जो कि फंक्शन को रिकर्सिवली किस तरीके से काम करना पड़ेगा उसके बारे में बता रहा है तो वट इज माई बेस केस ये मेरे को जानना पड़ेगा इफ इफ एन इक्वल्स टू इक्वल्स टू जीरो

इंटू एन इंटू फैक्ट एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन ठीक है माय फंक्शन डेफिनेशन इज कम्प्लीट नाउ अस फोकस विथ दिस पर्टिकुलर पोर्शन और मैं इस पर्टिकुलर पोर्शन को भी मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को और मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हुए मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज द फंक्शन रिकर्शन Rec ओके okay? तो चलो इस बार पोर्शन पे हम लोग फोकस करेंगे तो वेरी फर्स्ट थिंग इज दैट यहां पे नम मैंने दिया है तो नम के अंदर मान लो मैंने दिया है फोर या फाइव व्हाट्स एवर मे बी द नंबर और ये यह यहां पे ऐसा आ रहा है फैक्टोरियल ऑफ फाइव इज़ वो कंप्यूट करके आपको दे देगा नाउ वंस आई एम गिविंग फाइव ओवर हियर तो ये यह फाइव यहां पे कॉपी हो रहा है यहां 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 पे यहां पे पे कॉपी हो रहा 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 है, 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 अब अब वो 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 चेक चेक कर कर नहीं, तो वो क्या करेगा? अपना else part में जाएगा, फिर से बता रहा हूं जब मैं फाइव एज अ पैरामीटर उसके अंदर पास कर रहा हूं तो वो चेक कर रहा है कि वाइर द वैल्यू ऑफ एन दैट इज फाइव इज इकोल टू जीरो करेगा वो एल्स पार्ट में जाएगा वेरी क्रूशियल थिंग इज दिसमल फंक्शन के तरह हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं बट दोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हम लोग लिख रहे हैं रिटर्न के अंदर उसमें हम लोग पैरामीटर दे रहे रिटर्न के अंदर हम लोग पैरामीटर दे रहे हैं एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन फिर से बोल रहा हूँ एन इंटू फैक्ट एन माइनस वन वज दिस टर्म मीन्स यहां पर देखो व्हाट इज माई फंक्शन नेम माई फंक्शन नेम इज फैक्ट व्हाट इज माई फंक्शन नेम माई फंक्शन नेम इज फैक्ट और मैं रिटर्न स्टेटमेंट में उसी फंक्शन नेम को यूज कर रहा हूं दैट मीन्स इन रिटर्न स्टेटमेंट आई एम कॉलिंग दैट पर्टिकुलर फंक्शन क्योंकि उसी फंक्शन को मैं उसी रिटर्न स्टेटमेंट में हूं और उसी के अंदर कॉल कर रहा हूं दिस इज एक्चुअली माय रिकर्शन दिस इज एक्चुअली माय रिकर्सिव प्रोसेस और रिकर्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दिस इज एक्चुअली माय रिकर्सिव प्रोसेस और रिकर्शन बट ये काम कैसे कर रहा है चलो आ, मैं वो फाइव वाला जो एग्जाम्पल लिया था उससे मैं आप लोगों को समझाता हूं ओके okay. सो so, मैंने नम के अंदर फाइव लिया है तो एन इक्वल्स टू फाइव ये वाला कंडीशन मेरा फॉल्स हो गया तो मैं एल्स के अंदर आ चुका हूं नाउ यहां पे क्या लिख के आ रहा है इन दैट मींस फाइव इन टू फैक्टोरियल दैट मींस फैक्ट इट्स नॉट फैक्टोरियल फैक्ट फंक्शन की नाम है फैक्ट फैक्ट इन ब्रैकेट के अंदर एन माइनस वन तो ये क्या कर रहा है ये कर रहा है फाइव इन टू फैक्ट ब्रैकेट के अंदर एन माइनस वन मतलब फाइव माइनस वन दैट मीन्स फोर करेक्ट तो ये फंक्शन को दोबारा कॉल कर रहा है फिर नाउ माई पैरामीटर इंस्टेड ऑफ फाइव इट इज कमिंग फोर क्यों क्योंकि हमने पहले फाइव दिया था अब मेरा एन की वैल्यू एक डिक्रीमेंट होके आ रहा है फोर करेक्ट सो अगेन आई एम चेकिंग वाई द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल्स इक्वल टू जीरो

4 -1, that is 3. तो देखो हम लोगों ने दो टर्म ऑलरेडी जस्ट बिकॉज को मैं कॉल कर रहा हूँ नॉर्मली एक प्रोग्राम दे रहा है अगर मैं आपसे पूछू कि बेटा यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है तो यू आर जस्ट नाउ टू मच एक्सपर्टाइज हो गया है प्रोग्राम में आप लोग बोल सकते हो कि सर म वेरिएबल का नम नम नाम है एंड दिस नम होल्ड्स ऑल टाइप्स ऑफ वैल्यू विच आर इंटीजर टाइप विच आर इंटीजर टाइप तो ये देखने में आइडेंटिकल लगता है कि भाई ये इंसान है ये गाय है ये बखड़ा है लाइक दिस सो इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम हाउ वी विल नो कि ये मेरा रिकर्शन है देखो ये फंक्शंस का नाम और रिटर्न स्टेटमेंट में जो नाम मैंने कॉल किया जो फंक्शन को दोबारा मैं कॉल कर रहा हूं बोथ आर सेम एंड सिंस बोथ आर सेम दैट्स व्हाई इट इज नोन एज रिकर्शन ओके तो अब नेक्स्ट स्टेप इज थ्री सो फिर से हम लोग चेक कर रहे हैं वायदर द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल्स टू जीरो नॉट नो इट इज नॉट जीरो इट इज नॉट जीरो सो हम लोगों का इफ पोर्शन में नहीं आएगा हम लोगों का एल्स पोर्शन में आएगा जैसे ही हम लोगों का एल्स पोर्शन में आ रहा है फिर से वही स्टार्ट uh, हो रहा है दैट इज फाइव इन टू फोर इन थ्री इन फैक्ट ऑफ टू फाइव इन टू फोर इन थ्री इन फैक्ट ऑफ टू टू कहां से आया थ्री माइनस वन दैट मींस टू करेक्ट फिर से वो यहां पे आ रहा है

एन की वैल्यू को आ, अपडेट करके वन लाया फिर भी ये वाला कंडीशन मेरा ट्रू नहीं है वो फिर से एल्स पार्ट में जा रहा है तो एल्स पार्ट में जा रहा है मतलब फाइव इन लुक फोर इन टू थ्री इन टू टू वन इन फैक्ट ऑफ जीरो फैक्ट ऑफ जीरो जीरो कहां से आया वन माइनस वन दैट इज फैक्ट ऑफ जीरो करेक्ट फैक्ट ऑफ जीरो जब फैक्ट ऑफ जीरो आया नाउ द करेंट अपडेटेड वैल्यू ऑफ एन इज जीरो करंट अपडेटेड वैल्यू ऑफ एन इज जीरो करंट अपडेटेड वैल्यू ऑफ एन अब जीरो हो गया है तो तो यहां पे देखो ये वाला कंडीशन मेरा ट्रू हो गया जैसे ये वाला कंडीशन मेरा ट्रू हो गया तो वह एल्स पार्ट में नहीं जाएगा अब यहां पे आके रिटर्न वन कर रहा है तो रिटर्न वन कर रहा है वो दोबारा फंक्शंस को कॉल नहीं कर रहा दैट मीन्स दिस इज माई स्टॉप पोर्शन दिस इज द पोर्शन जहां पे हमारा टोटल uh, जो प्रोसेस हो रहा है वो स्टॉप हो रहा है आखिरी स्टेशन आ गया ट्रेन का सो इफ वी कंप्यूट दिस

दिस इज ऑल अबाउट योर रिकर्सिप प्रोग्राम में और एक प्रोग्राम करवाऊंगा अभी करवा के आप लोगों को समझाता हूं तो अगर मैं इस प्रोग्राम को सेव करूं लेट मी सेव दिस प्रोग्राम विद कॉल्ड फर्स्ट रिकर्सन या ऐसा कुछ फर्स्ट रिकर्सन या ऐसा कुछ रिकर्शन ओके फर्स्ट रिकर्शन या ऐसा कुछ सो लेट मी सेव दिस प्रोग्राम इट इज टेकिंग टू मच टाइम ओके नाउ लेट मी कंपाइल द सेम अब देखो नीचे यहाँ पे आ जाएगा कि जीरो एरर जीरो वार्निंग और कितना टाइम हमें लगा इस प्रोग्राम को कंपाइल करने में दैट मीन्स द कंपाइलेशन टाइम यू कैन सी द कंपाइलेशन टाइम इज अप्रोक्सिमेटली सेवन पॉइंट वन थ्री सेकेंड्स ओके आउटपुट साइज इज समथिंग लाइक दिस तो ये आप लोगों का सिलेबस में नहीं है बट फिर भी मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ so, uh, का डिफरेंस करूंगा तो यहाँ पे कंपाइलेशन टाइम में आप लोगों को मैं थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा ठीक है यहाँ पे नहीं कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम में ऐसा होता है इसलिए मैं कंपाइलेशन टाइम के बारे में थोड़ा बहुत आप लोगों को बता रहा हूँ तो दिस पार्ट नाउ फ्री प्रोग्राम लेटेस्ट रन तो यहां पे दिया है to, uh, so, five, जो मैं दे रहा था देखो फैक्टोरियल ऑफ फाइव इज वन ट्वेंटी ओके फैक्टोरियल ऑफ फाइव इज वन ट्वेंटी ठीक है प्रोग्राम well, हम लोग करेंगे दैट इज uh, हम लोग यूजिंग फैक्टोरियल फिवोनो की सीरीज फिवोना की सीरीज के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत डीपली इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और फैक्टोरियल में हम लोगों का वाइंडिंग फेस फेस क्या होता है वाइंडिंग वाइंडिंग व्हाट फेस ऑफ दिस फैक्टोरियल वो मैं यहाँ पे अभी लिख के बता रहा हूं व्हाट इज द वाइंडिंग फेस ऑफ माय फैक्टोरियल अभी वाइंडिंग फेस क्या है सॉरी <coughs> वाइंडिंग फेस क्या है एक मिनट यस yes. होप यू कैन सी दिस देखो एक फंक्शन हमारा जो कि हमने यहाँ पे देखा है एक फंक्शन जो है हमारा ये वन वैल्यू वैल्यू वन को रिटर्न कर रहा है दैट इज दिस इज द टर्मिनेटिंग कंडीशन ठीक है इफ द आर्ग्यूमेंट ऑफ एन इज जीरो अगर इस आर्ग्यू एन भी कभी लास्ट में मैंने जब बोला था कि एन की वैल्यू जीरो हो रहा है तो वो वन रिटर्न कर रहा है अदरवाइज एन इन टू एन माइनस वन फैक्टोरियल को वो रिटर्न करेगा दैट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन इन फैक्टोरियल एन माइनस वन जब तक एन की वैल्यू जीरो नहीं होता है तो हम लोग इन केस ऑफ फैक्टोरियल फाइव हो या फैक्टोरियल फोर हो हम लोग फैक्टोरियल को इस तरीके से कैलकुलेट करते करते हम लोग कहाँ पे जाते हैं हम लोग कहाँ पे जाते हैं जब फाइव की वैल्यू ये जस्ट वन मिनट मशीन इज हैंगिंग एक्चुअली ओके इनिशियली फाइव इज एक्चुअली ग्रेटर देन इज ग्रेटर देन जीरो तो फैक्ट ऑफ फाइव हमारे पास है फैक्ट ऑफ फाइव ये किसको कॉल करेगा इट विल इट विल कॉल इट विल कॉल फैक्ट ऑफ़ क्यों एन इंटू एन माइनस वन मैंने बताया था एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस वन मैंने आप लोगों को बताया था इस वाले पोर्स को एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस वन ठीक है इस वाले पोर्शन को मैंने आपको बताया था कि एन इंटू फैक्ट ऑफ एन माइनस वन दैट मीन्स यहां पे अगर मेरा एन की वैल्यू फाइव हो रहा है तो यहां पे मेरा क्या होगा फाइव माइनस वन दैट इज फोर करेक्ट नेक्स्ट अब मेरा फोर आ गया तो ऑब्वियसली वी कैन सी फोर इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो अब जब थ्री आ रहा है तो थ्री इज ऑल्सो ग्रेटर देन जीरो सो फैक्ट ऑफ थ्री फैक्ट ऑफ थ्री विल कॉल विल कॉल फैक्ट ऑफ फैक्ट ऑफ टू करेक्ट फैक्ट ऑफ टू now again when i'm saying 2 which is also greater than 0 so fact of 2 fact of 2 will call will call fact of 1 fact of 1 and we have also seen that 1 is also greater than uh, 0 so fact of 1 fact of 1 will call fact of fact of 0 देख रहा हूँ जैसे ही मेरा जीरो आ गया दिस कंडीशन दीवियस जो कंडीशन है हमारे पास दट इज एनिक्स टू जीरो तो जैसे ही मेरा यहाँ पे आ गया माई बेस्ट रीच्ड एंड माई टर्मिनेटिंग कंडीशन माई टर्मिनेटिंग कंडीशन है टर्मिनेटिंग कंडीशन अराइव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट विल बी रिटर्निंग यू वो वन रिटर्न करेगा ठीक है क्योंकि फैक्ट ऑफ वन इज कॉलिंग फैक्ट ऑफ जीरो का मतलब क्या है एन की वैल्यू हमारा क्या है एन की वैल्यू हमारा, हमारा जीरो होगा तो ये क्या रिटर्न करेगा दैट इज रिटर्न वन दैट इज इट विल बी रिटर्निंग वन ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट योर रिकर्शन अभी मैं इसमें और एक प्रोग्राम ऐड करूंगा दैट इजोना uh, की सीरीज मैं सोच रहा हूं कि उसको मैं लाइव ही करवाऊ को और की सीरीज का दैट अच्छा। तो, ये सेम प्रोग्राम को सेम प्रोग्राम को मैं इटोरेटिव वे में करके दिखाऊंगा दैट इज यूजिंग लूप ठीक है उसमें हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली exactly हमको क्या करना पड़ रहा है और इसमें हम लोग देखे हैं कि एग्जैक्टली ओके okay, अब आ, मैं सेम प्रोग्राम को आप लोगों को अभी यूजिंग माय इटरेटिव वे में करके दिखाऊंगा तो ऑलरेडी यहाँ पे इटरेटिव वे में यहाँ पे किया हुआ है मैं फिर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ बहुत ही आसान सा चीज है आई विल बी टेकिंग इंट आई कॉमा इंट नम फॉलोड बाय लॉन्ग लॉन्ग फैक्ट करेक्ट देन मैं एक मैसेज यहाँ पे दे रहा हूँ दैट इज सी आउट enter the number enter the number right enter the number see in C in uh, I will be giving num okay then for may iterative way may is cook row for I equals to 1 I less than equals to num followed by I plus plus. सेम प्रोग्राम जो कि मैंने अभी अभी रिकर्शन वे में किया है वो इटरेटिव वे में कर रहा हूं मैं फैक्टिकल्स टू फैक्ट इन टू आई करेक्ट सो सी आउट सी आउट फैक्टोरियल इज फैक्ट नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग एंड रनिंग दिस प्रोग्राम तो यहां पर देखो कंपाइलेशन टाइम कम हुआ वहां पे कंपाइलेशन टाइम थोड़ा सा ज्यादा था बट दिस इज एक्चुअली नॉट द सीनारियो सो मैंने रन किया हो फाइव देखो फैक्टोरियल इज वन ट्वेंटी ठीक है अब हम लोग स्लाइड में देखेंगे कि uh, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि वेन टू यूज रिकर्शन रिकर्शन हम लोग कब यूज करने वाले हैं ठीक है ठीके? चलो वेन टू यूज रिकर्शन यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स मैंने आप लोगों को दिया है सम्स वी एनकाउंटर प्रॉब्लम दैट इज टू कॉम्प्लेक्स टू सॉल्व डिरेक्टली तब हम लोग उस टाइम पे क्या करते हैं उस प्रॉब्लम को चॉक डाउन और ब्रेक डाउन कर लेते हैं इनटू डिफरेंट पार्ट्स दैट मे बी पार्ट वन दैट मे बी पार्ट टू दैट मे बी पार्ट थ्री और उस स्मॉलर पीसेस ऑफ प्रॉब्लम्स को हम लोग एक सोल्यूशन के मार्फत बिल्ड करते हैं दैट्स द ऑफ रिकर्शन रिकर्शन इज अ फंक्शन कॉल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और ये जो फंक्शन कॉलिंग इट सेल्फ इसको रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं रिकर्शन में एक टर्मिनेशन कंडीशन होता है और एक बेस कंडीशन होता है बेस कंडीशन uh, या टर्मिनेशन कंडीशन होता है करेक्ट डिफाइन द स्टेप इन अवर एग्जाम्पल यहां पर मैं इंटरनेट से एक एग्जाम्पल यहां पर दिया हूं सो so, मेरे पास इन जनरली uh, कोई एक प्रॉब्लम है जिसका क्लू मेरे पास है तो अगर मेरे पास क्लू है तो मैं क्या करूंगा फाइंड अ टर्गेट टू एंटर द्रीम फाइंडिंग क्लूज अगर उस क्लूज से मैं अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाया हूँ तो ठीक है नहीं तो मैं दूसरा कुछ तरीका यहाँ पे करूंगा मेन मुद्दे का बात यह है कि दिस इज द मेन पॉइंट दैट इज अगर मेरा प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है जिसको मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ उस टाइम उस प्रॉब्लम को स्मॉलर पोर्शन में टुकड़ों में बांट लूंगा और उस टुकड़ों को मैं इंडिविजुअली सॉल्व करने का कोशिश करूंगा नाउ लेट्स बिगिन वेन टू वेन टू यूज इटरेशन अब इटरेशन हम लोग कब यूज करेंगे इटरेशन इज वेन वी अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिपीटेडली कंडीशन कंट्रोलिंग द लूप बिकम्स फॉल्स वहां पे बेस कंडीशन होता था यहां पे कंडीशन कंट्रोलिंग अच्छा यहां पे आ, जो ये वाला एग्जाम्पल्स जो है इसको आप लोग फॉलो भी कर सकते हो ना भी कर सकते हो इन इटरेशन इट इज नेसेसरी टू हैव राइट कंट्रोलिंग कंडीशन एज द प्रोग्राम में गो टू इनफाइनेट लूप। ये सब कहने का बात है मैं अभी आप लोगों को इटरेशन और आ, ये जो है आप लोगों का दैट इज रिकर्शन इसमें एक पैरामेटिकली डिफरेंस आप लोगों को समझाऊंगा सो दिस इज द मेन डिफरेंस ये मैं आप लोगों को बता दूंगा तो देखो डेफिनेशन पे यहाँ पे लिखा है रिकर्सन इन्वॉल्व रिकर्सिव फंक्शन विच कॉल्स इट ये सब अंटिल द बेस्ट कंडीशन लूप में भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है मेन है टर्मिनेशन कंडीशन हेयर द टर्मिनेशन कंडीशन इज बेस केस डिफाइंड विद इन द रिकर्सिव फंक्शन इट सेल्फ और रिकर्सिव फंक्शन कॉल्स और यहां पे टर्मिनेशन कंडीशन इज द कंडीशन स्पेसिफाइड इन द डेफिनेशन ऑफ लूप जब मैं लूप की डेफिनेशन दे रहा हूं तभी वहां पे टर्मिनेशन कंडीशन दे रहा हूं बट यहां पे डेफिनेशन के टाइम टर्मिनेशन कंडीशन नहीं दे रहा हूं टर्मिनेशन कंडीशन मैं खुद सेट कर रहा हूं ठीक अच्छा, है अच्छा मेमोरी यूजेस सबसे इंपॉर्टेंट है रिकर्शन यूजेस स्टैक एरिया टू स्टोर द करेंट स्टेट ऑफ फंक्शन ड्यू टू विच मेमरी यूजेस इज हाई ये स्टैक क्या है ये आप लोगों का सिलेबस में नहीं है फिर भी मैं किसी क्लास में बता दूंगा ठीक है ये एक्चुअली टेम्पोर मेमोरी स्टोरेज यूज करते हैं रिकर्सिव मेथड और इटरेशन यूजेस परमानेंट स्टोरेज एरिया ओनली फॉर द वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन दिस कोड ब्लॉक हेंस मेमोरी इज लेस यहाँ पे मेमोरी यूजेस जो है बहुत हाई है और यहाँ पे मेमोरी यूजेस जो है वो बहुत लेस है मतलब मेमोरी कौन ज्यादा यूज कर रहे इस पैरामीटर्स के आधार पे इसको आप लोग कंप्रेजन कर सकते हो कोड साइज कोड साइज हमारा रिकर्शन में कम होता है कोड साइज हमारा इटरेशन में ज्यादा होता है तो आप लोग अभी हमें क्वेश्चन कर सकते हो कि सर अभी अभी आपने फैक्ट्रियल वाला प्रोग्राम किया वहां पे तो कोड साइज हमारा रिकर्शन में थोड़ा ज्यादा लगा बेटा वो एक सिंपल सा एग्जांपल है ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखा दूंगा जहां पे रिकर्सिव फंक्शन में हमें लाइन्स एंड लाइन्स ब्लॉक्स एंड ब्लॉक्स ऑफ कोड लिखना पड़ता है बट बट यहाँ पे एक बट है बट हमें वो सेम चीज रिकर्शन में नहीं लिखना पड़ता है इटरेशन में वो चीज लिखना पड़ता है करेक्ट नाउ परफॉर्मेंस ओके इफ यू गो टू डिस्टिंग्विज द प्रोग्राम इन रेस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस तो यहाँ पे देखो हम लोग देख पाएंगे कि परफॉर्मेंस सिंस स्टैक आर इज यूज टू स्टोर एंड रिस्टोर द स्टेट ऑफ रिकर्शन फंक्शन आफ्टर एवरी फंक्शन कॉल परफॉर्मेंस इज कम्पेरेटिवली स्लो एंड इटरेशन फंक्शन इज कंपेरेटिवली फास्ट इटरेशन में जो प्रोसेस होता है वो फास्टर प्रोसेस होता है और रिकर्शन में प्रोसेस जो होता है, वो slow होता है है वो इसीलिए देखो मैं जब कंपाइल किया था तब वहां पे कुछ 7.18 पॉइंट वन एट सेकेंड आया था केस ऑफ माय रिकर्सिव फैक्टोरियल बट जब मैं इटरेशन में किया वो वन पॉइंट समथिंग सेकेंड्स का आया था इसी से पता चल रहा है कि कौन सा प्रोग्राम कंपाइल होने में कितना टाइम लग रहा है राइट right? क्वेश्चन no, यहाँ पे आ सकता है कि सर अगर रिकर्शन में मेरा टाइम ज्यादा लगता है तो हम लोग रिकर्शन क्यों यूज करते हैं हम लोगों को तो टाइम कम होना चाहिए मैंने तभी बताया था कि एक तो है आपका ये आ, क्या बोलते हैं कोड साइज कोट साइज रिकर्शन में कम होता है वायरस कोट साइज हमारा इटोरेशन uh, में ज्यादा होता है कुछ कुछ uh, जगह पे हम लोग देखेंगे कि इटोरेशन को रिकर्शन ओवरटेक कर रहा है और रिकर्शन इटरेशन रिकर्शन को ओवरटेक कर रहा है और रिकर्शन इटोरेशन को ओवरटेक कर रहा है ठीक है अब ओवरहेड ये लास्ट वाला पॉइंट है रिकर्शन फंक्शन इन्वॉल्व एक्सटेंसिव ओवरहेड एज फॉर ईच फंक्शन कॉल द करेंट स्टेट इम्पोर्टेंट नहीं है और देर इज नो ओवरहेड इन रिकर्शन अब ये ओवरहेड वाला जो पोर्शन है ना ये इसमें स्टैक का कुछ फंडा है जो कि आप लोगों का सिलेबस में नहीं है क्योंकि दिस आर टोटली आर मैं इसको इस तरीके से समझाऊंगा नहीं मैं एक लाइव क्लास में क्या करूंगा आ, ओ, ये ओवर over, ओवरहेड वाला जो फंडा mm, है मैं दो प्रोग्राम लूंगा वो सेम प्रोग्राम में रिकर्शन में करूंगा और वो सेम प्रोग्राम में इटरेशन में करूंगा करवा के इसका mm, जो फंडा है ओवरहेड में क्या कहना चाहता है वो वाला मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखाऊंगा ठीक है तो आशा करता हूं कि रिकर्शन का जो बेसिक आइडिया है जो एकदम से एकदम बेसिक आइडिया है वो बेसिक आइडिया आप लोगों को समझ में आ गया है एंड आई एम गोइंग टू गिव ऑल दिस नोट्स टू यू और ये पहले समझो कि रिकर्शन क्या है उसके साथ इटरेशन का डिफरेंस क्या है और इटरेशन और रिकर्शन में एक्चुअली क्या होता है और बेसिकली रिकर्शन हम लोग कब यूज करते हैं और इटरेशन कब यूज करते हैं ठीक है सो टिलन वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो थैंक यू वेरी मच